हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज पढ़ेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि वो सोसाइटीज़ जो कि कंज्यूमर्स के लिए बनी हैं। समझ आ रहा है? कुछ नाम से थोड़ा सा निकालने की कोशिश किया कीजिए मीनिंग को। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो कंज्यूमर्स के लिए बनी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब देखते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो आगे जाके सामान को खरीदते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी कि उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं प्रोडक्ट्स को लेके, कि कौन से प्रोडक्ट चाहिए, कैसी क्वालिटी का चाहिए, वो सब मीटअप कर सके। इसके लिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाई गई है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्लियर है मीनिंग? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स वही कंज्यूमर्स होते हैं जो कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहते हैं रीज़नेबल प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, मैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहती हूँ कि मुझे रीज़नेबल प्राइस पे मिले और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो मैं उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कौन होगा? वही इंसान होगा जो चाह रहा है, कंज्यूमर जो चाह रहा है प्रोडक्ट को खरीदना, वही उसके मेंबर्स बनते चले जाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडलमैन। अब जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो क्यों बनाई जाती हैं? ताकि मिडलमैन के रोल को ख़त्म किया जा सके। कैसे चेन चलती आई है हमारी कि होल सेलर देता है सामान रिटेलर को, रिटेलर सामान देता है आगे कंज्यूमर को। तो अब मान लीजिए जो होल सेलर है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कंज्यूमर को सामान खरीदना है, तो बीच में से रिटेलर मिडलमैन को हटा दिया गया। अब कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इज इट परचेजेस गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होल सेलर्स। अब जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो होल सेलर्स के पास जाकर डायरेक्टली बल्क में यानी बहुत बड़ी अमाउंट में गुड्स परचेज कर लेती हैं और फिर आगे सेल करती हैं कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो यानी कि जो मिडल मैन है वो हट गया। अब जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेंबर बन के प्रोडक्ट्स ले सकता है। और जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने आगे किससे लिया था? उसने लिया था बहुत बड़े होलसेलर से और लाके उसने बेच दिया कंज्यूमर को। ठीक है, तो इसलिए बनाई गई हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ताकि कोई भी कंज्यूमर्स को ठग ना सके। क्योंकि अगर मिडिल मैन होगा तो वो अपना भी तो कुछ कमीशन रखेगा ना उसमें, तो मिडिल मैन को हटा दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट गुड परचेज वहाँ से हो सकते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इनका, अब ये मेंबर्स तो भाई मान लो बहुत सारे हैं, सामान खरीद रहे हैं, वहाँ से प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इसमें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होने के दो केस हैं। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब जैसा कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वही सोसाइटी होगी जहाँ पे कंज्यूमर्स चाह रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट खरीदें रीजनेबल प्राइस में, लेकिन उन्होंने कुछ कैपिटल भी तो लगाई होगी ना। जैसा मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का बताया था कि हर कोई कुछ ना कुछ कैपिटल इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा शुरू में जब वो मेम्बर बनेगा। ठीक है, तो जो उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है या तो उस रेशो में उनको प्रॉफिट बटेगा या फिर कितनी किस मेंबर ने परचेज़ की है। मान लीजिए ABC फॉर एग्जांपल, 3 मेंबर्स हैं, एक ने लगाए 10,000, एक ने लगाए 5,000, एक ने लगाए 2,000। या तो अब उस बेसिस पे यानी 5:3:1 इस तरह की रेशो बन गई कि भाई उसको 5 गुना प्रॉफिट मिलेगा, इसको उससे 2 गुना प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और नेक्स्ट इज़ और द परचेजेस मेड बाय दैम। अब उन्होंने कितने की परचेज़ की है या फिर उस बेसिस पे बनेगा। कि किसी ने मान लो 10,000 का सामान खरीदा है कि कोई 5,000 का ख़रीदेगा, कोई उससे भी ज़्यादा का ख़रीदेगा, तो फिर उनके परचेजेस के बेसिस पे बनेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बहुत ईजी सा टॉपिक है, छोटू सा और बहुत ही ईजी सिंपल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आप अपने पॉइंट्स इसी तरीके से लिखिएगा अपने नोट्स में, ताकि आप लोगों को बहुत ही इजीली सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं और आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स तैयार करिए।